After me, I'm Pastor Kalyus to you. Hear my voice, add me again. Hear my Kasi noise for you. Hear WGN noise for you. ये मेरी टाइम पास फिल्टर है एचडी से पास हुई चल एक मिनट बेटा वेट करना दे ठीक देन यहाँ मल्टीप्लायर पे हम विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर एक सिग्नल देंगे cos 2 पाई एफ सी टी मल्टीप्लायर का जो आउटपुट आएगा वो लो पास फिल्टर से पास करके निकलेगा और यहाँ हमें वाई टी मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट होगा मैसेज सिग्नल जो कि इक्विवेलेंट होगा मैसेज सिग्नल अब यहाँ पे जो एस टी यानी जो तुम्हारा रिसीव सिग्नल जो हम प्री डिटेक्शन एसएनआर की बात करें हम प्री डिटेक्शन एसएनआर की बात करेंगे उस टाइम पे हम आरटी को कंसीडर करेंगे आरटी क्या होगा एसटी प्लस एसडी यहाँ पे एसटी क्या है एसी एमटी बाय टू कॉस टू पाई एफसीटी प्लस माइनस ए सी एम कैप टी बाई टू साइन टू बाई एफ सी ए सी बाई टू ए सी एम टी बाई टू कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस माइनस ए सी बाई टू एम कैप साइन टू पाई एफ सी टी अब अगर इस सिग्नल की हम पावर फाइंड आउट करना चाहते पावर सिग्नल पावर क्या हो जाएगी यहां की पावर फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाय एट इंटू मैसेज सिग्नल की पावर देखो ए सी स्क्वायर बाय एट क्यों आया अगेन पिछली बार की तरह जैसे हमने ए सी एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी भी निकाला था तो एम टी का पावर हमने अलग ले लिया पी और ए सी बाय टू इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी जब इसका पावर निकालोगे तो क्या आ जाएगा पीक वैल्यू ये है बाय अंडर रूट टू का होल स्क्वायर जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर बाय ठीक नेक्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे एसएसपीएससी तब भी हमने तुम्हें बताया था कि भाई हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले भी रहे हो तो पावर में तुम्हारे कोई चेंज नहीं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेने से जो मैसेज का पावर होगा वही हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एमटी इसका भी पावर अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाय एट एम तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर बाय फोर इंटू पी ठीक
सी स्क्वायर पी बाय फोर, ये तुम्हारी क्या हो गई सिग्नल पावर। अब बात करते हैं नॉइस पावर की। तो यहां देखो एसएसबी एससी का बैंडविड्थ कितना है एफएम, तो नॉइस पावर क्या हो जाएगी एन नॉट बाय टू इंटू एफएम, एन नॉट बाय टू इंटू एफएम। अब अगर एसएनआर निकाले इनपुट साइड या प्री डिटेक्शन एसएनआर निकाले हम, तो वो क्या आ जाएगा एसी स्क्वायर पी बाय फोर डिवाइड बाय एन नॉट एफएम बाय, तो ये क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर पी अपॉन टू एन नॉट एफएम एसएनआर थ्री। ठीक, अब अगर हम पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर निकालें तो पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर में सबसे पहले हम एचटी की बात करें, एचटी क्या होगा एचटी प्लस एन आई टी कॉस टू पाई एफ सी टी माइनस एन क्यू टी साइन टू पाई एफ सी टी। ना अब इसे हम मल्टीप्लायर से पास कराएंगे इस एचटी को, मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या आएगा दिस होल टर्म यानी एचटी मल्टीप्लाई बाय कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे हम ये क्या हो जाएगा एसी बाय 2 एमटी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस हम अपर साइड बैंड देके चल रहे हैं, ये दोनों ही हैं सी बाय टू एम कैप टी साइन टू पाई एफ सी टी प्लस एन आई कॉस टू पाई एफ सी टी माइनस एन क्यू साइन टू पाई एफ सी टी, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस टू पाई एफ सी टी, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2 pi fct। नाउ अब जब ये cos 2 pi fct और ये cos 2 pi fct मल्टीप्लाई होंगे क्या आएंगे cos स्क्वायर 2 pi fct, यहां क्या आएगा cos 2 pi fct into sin 2 pi fct, यहां क्या आएगा cos स्क्वायर 2 pi fct, यहां क्या आएगा sin 2 pi fct into cos 2 pi fct। डिफरेंट टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं जो cos स्क्वायर वाले टर्म है AC MT by 2 plus NIT into cos square 2 pi XCT। minus हम यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, नेगेटिव साइन को छोड़ दिया, मतलब जो चीजें लोअर साइड बैंड के लिए होंगी वही सेम कैलकुलेशन अपर साइड बैंड की होंगी, तो हम एक चीज लेके चल रहे हैं। तो साइन के वाला टर्म कौन से एक ये और एक ये क्या आएगा प्लस ए सी एम कैप टी बाई टू प्लस एन माइनस NQT sin 2 pi FCT into cos 2 pi FCT। Now, here term क्या हो जाएगा sin
फोर पाई एफ सी टी क्लियर कट है और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस फोर पाई एफ सी बाई सिंपली हमने कॉस स्क्वायर थीटा को ओपन कर दिया यहाँ ब्रैकेट में इसके क्या है ए सी एम टी बाई टू प्लस एन आई फाइव प्लस ये क्या हो जाएगा ए सी एम कैप टी बाई टू प्लस माइनस एम क्यू टी जो साइन फोर पाई एफ सी अब जब लो पास फिल्टर से इसको पास कराओगे सिग्नल को जब लो पास फिल्टर से पास कराओगे तो ये वाला टर्म तो ब्लॉक हो जाएगा इधर साइड में वो टर्म जिनके साथ cos 4 पाई एफ सी टी मल्टीप्लाई होगा वो ब्लॉक हो जाएगा जिन जो 1 से मल्टीप्लाई होंगे वो बचेंगे तो क्या बचेगा ए सी एम टी बाई फोर प्लस एन आई टी बाई ना ये मेरा सिग्नल है ये मेरी नॉइस पावर फाइंड आउट कर सिग्नल पावर क्या हो जाएगी ए सी स्क्वायर बाई 16 इंटू पी पी यानी मैसेज पावर और सिमिलरली नॉइस पावर क्या हो जाएगी एन आई टी की हमने पावर फाइंड आउट की थी ये क्या जाएगी एन नॉट एफ एम बाई एट तो बेसिकली क्या आएगा एन नॉट एफ एम बाई एट देन जो तुम्हारा एस एन आर दिखाई देगा जस्ट अ सेकंड क्या आएगा ए सी स्क्वायर बी बाई 16 अपॉन एन नॉट ओमेगा बाई 4 बाई किसके बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर पी अपॉन 2 एन नॉट और यहाँ पे जब फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट कर तो वो ए सी स्क्वायर सी ऑन टू एन नॉट ओमेगा सॉरी एफ एम हम एफ एम लेके चल रहे जो एस एस बी एस सी है इसमें हम लोग थोड़ा सा हम लोगों ने स्पीड बढ़ाई है ठीक है उसका रीजन बस इतना है कि हम लोग ऑलरेडी डी एस बी और ए एम को प्रॉपरली समझ चुके हैं ठीक तो एक बार खुद से एस एस बी एस सी करके देखना इनकेस अगर कहीं कुछ डाउट होता है लगता है कि यहाँ चीजें कुछ ऐसा है कि यहाँ जो नहीं समझ में आ रही तो अगेन पूछ लेना ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीजें कर चुके हैं एन आई टी की पावर फाइंड आउट कर चुके हैं सारी चीजें हो चुकी है दैट इज वाई हम लोगों ने थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे ज्यादा ठीक है सब लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दो इनकेस अभी कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर करें जिन लोगों की अटेंडेंस माफ हो गई है वो क्लास लीव कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर सकते हैं
Now